अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमेद अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिला मेरठ वाला। वीडियो में बने रहे आखिर तक, वीडियो में काफी मजा आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल को रीच मिल सके। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं प्लीज फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। इस बल्ले से जो पिछवाड़ा सजाया ना अफगानिस्तान वालों ने और इंडिया वालों ने, इन कंगारुओं का भाई सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची। और उनका इरादा ये था कि हम सेमीफाइनल खेल के फाइनल तक जाएंगे और ये ट्रॉफी फिर से ऑस्ट्रेलिया वाले लेकर ऑस्ट्रेलिया उड़ जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था, इस बार उनके अब्बू आए हुए हैं, दो अफगानिस्तान से और एक इंडिया से। ये भूल चुके थे कि हाँ, कि तुमने इनको बहुत बड़ा दर्द दिया है। अफगानिस्तान को भी भाई बहुत बड़ा दुख हुआ था जिस दिन इंडिया फाइनल में हारी थी। और इंडिया वालों को तो आप लोगों को पता है, आप लोग खुद रोए होंगे हमारी तरह, ऐसे क्रिकेट लवर जो क्रिकेट के फैन हैं, जो क्रिकेट के दीवाने हैं। फाइनल की एक अलग ही बात होती है, उसमें पूरा हिंदुस्तान आ जाता है, चाहे वो क्रिकेट देखे ना देखे, जीतने की खुशी एक अलग होती है। हाँ भाई, हमारे देश का नाम ऊपर हुआ है, हमारे देश की टीम ने ये कारनामे करे हैं, हमारे देश के खिलाड़ी ने ये कारनामे करे हैं। आज देखते हैं इंडिया और वर्सेज इंग्लैंड का आज मैच है। बीच में बारिश आ जा रही है, पहले रुक गया था मैच, अभी भी चल रहा है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी ये मैंने बनाई। मैं यही कहना चाहता हूँ अफगानिस्तान की टीम को, वेल डन अफगानिस्तान के क्रिकेटरों, वेल डन अफगानिस्तान की टीम। कल का दिन तुम्हारा नहीं था, फॉरगेट, आगे के लिए और अच्छी तैयारी करो। और फिर से कोई भी टूर्नामेंट आएगा फिर अपने जलवे दिखाओ इसी बैट से। जो भी टीम आपके सामने आए, जो भी, उसको पहलो, चाहे कोई भी आए, ये हमारा कहना है अफगानिस्तान की टीम के। क्योंकि भाई अफगानिस्तान की टीम ने जैसी परफॉर्मेंस दिखाई ना, बड़ी बड़ी टीम के पसीने निकल गए, बड़ी बड़ी टीम के पजामे गीले हो गए, वो सब अब अपने घर को चले गए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, पाकिस्तान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वेस्ट इंडीज़ को भी हरा दिया, इंग्लैंड को भी हरा दिया। हारी तो बस सिर्फ इंडिया से हारी और फिर साउथ अफ्रीका से हारी। कल का दिन साउथ अफ्रीका था, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी साउथ अफ्रीका वालों ने। लेकिन एक बात, काश अफगानिस्तान की टीम ये स्कोर 120 तक लेके जाती ना, साउथ अफ्रीका क्या, साउथ अफ्रीका अब्बा भी आ जाता अगर अफगानिस्तान वालों को हरा देते। कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई है, उन्होंने टॉस जीत के जो बैटिंग का फैसला लिया है, अभी तो यही कह रहे हैं ना सब, अभी सब यही कहेंगे कि भाई ये गलती कर दी है अफगानिस्तान की टीम ने, कि पहले टॉस जीतने के बाद उन्होंने जो फैसला किया था बैटिंग का, ये उनका फैसला गलत था। लेकिन अगर यही फैसला उनको मैच जिता देता तो फिर लोग कुछ नहीं कहने वाले थे, क्योंकि सबको कमी निकालनी आती है। ना कहीं ये चूक हो गई और इस चूक का खामियाजा भरना पड़ेगा राशिद खान को। ये चूक अफगानिस्तान को हरा के ले गई। लेकिन वेल डन अफगानिस्तान वालों, बेस्ट परफॉर्मेंस। अफगानिस्तान की बॉलिंग तो देखी है ना आपने, कितनी हार्ड बॉलिंग करी है। हालांकि विकेट नहीं उनसे लिए गए, एक विकेट ही हुआ, लेकिन बढ़िया वाली बॉलिंग करी है। चलो खैर भाई, ये थी भाई आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।